हेलो दोस्तों, थोड़े हाथ सेक लेते हैं क्योंकि इस वीडियो में ठंड काफी बढ़ने वाली है। हाय गाइस, मैं हूं देव। मैं हूं प्रियंका। और ये है और हम लोग हैं देसी फैमिली ऑनस्ट्रो। आज हम जा रहे हैं आइस कैसल। और ये आइस कैसल होता है क्या, वो आज हम वीडियो में देखेंगे। होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज का वीडियो हमारा होने वाला है हमारा ट्रिप टू द आइस कैसल। और आइस कैसल यानी बर्फ का महल। ये बर्फ का महल पूरे अमेरिका में सिर्फ 5 जगह बनाया जाता है और मिनेसोटा उनमें से एक है। चलो चल के देखते हैं ये महल है क्या। पिछले वीडियोस की तरह आज भी काफी ठंड है और आज का टेम्परेचर है -13 डिग्री सेल्सियस। और आज हमारे साथ आए हैं तृप्ति, प्रफुल, अनय, उनकी नन्ही सी परी साइशा और तृप्ति के पेरेंट्स। हमें और ज्वाइन कर रहे हैं राहुल और उनकी मॉम। चलो जाके देखते हैं आइस कैसल है क्या। जैसे ही हम एंटर करते हैं हमें बहुत बड़ा एंट्रेंस दिखता है जो 15 से 18 फुट लंबा होगा। और वहाँ से गुजरने के बाद हमें एक टनल में से जाना पड़ता है और फिर हमें एक पैसेज दिखता है जहाँ काफ़ी लोग फोटो खींच रहे हैं। इस पैसेज से बाहर जाते ही हमें क्या दिखता है, एक बहुत सुंदर कोर्टयार्ड। और जिस कोर्टयार्ड में काफी लोग तस्वीरें खींच रहे हैं और वहां है अनय जो एक स्टैच्यू के साथ खेल रहा है। और उस स्टैच्यू में आपको दिख रहा होगा काफी सारे लाइट्स हैं, बहुत सुंदर है। और इस आइस कैसल में अलग अलग अट्रैक्शंस हैं और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या है। चलो मैं आपको आइस कैसल के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। आइस कैसल 2011 में शुरू हुआ और इसके फाउंडर है ब्रेंट क्रिस्टेंसन। उनका सबसे पहला आइस कैसल उन्होंने अपने घर के सामने बनाया जब वो कैलिफोर्निया से यूटा मूव हुए। कैलिफोर्निया काफ़ी गर्म होता है और यूटा में काफ़ी स्नो होता है, तो जब विंटर शुरू हुआ यूटा में उनके बच्चों को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, उन्हें ठंड की बिल्कुल आदत नहीं थी। तो ब्रेंट इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फ्रंट यार्ड में एक आइस का केव बनाया और उस आइस के केव को देख के उनके बच्चे बाहर आए और उस आइस के केव में खेलने लगे और मज़े करने लगे। और उतना ही नहीं, बस उनके बच्चे नहीं पर पूरे नेबरहुड के बच्चे वहाँ खेलने लगे। और ऐसे ही देखते देखते वो पॉपुलर होता गया, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे बच्चे या हमारे नेबरहुड के बच्चों को यहाँ खेलने में मज़ा आ रहा है तो क्यों ना मैं ये बड़े स्केल पे बनाऊँ, एक बड़ा आइस कैसल बनाऊँ। और उन्होंने ये 2011 से शुरू किया और अभी ये पूरे अमेरिका में सिर्फ 5 जगह बनाया जाता है।
सबसे अनोखा फाउंटेन यहाँ आपको देखने मिलेगा। हर जगह बर्फ और इसके बीच में है एक वाटर फाउंटेन जिसकी आवाज काफी सुरीली है। बहुत यूनिक। एक आइस कासिल का वजन होता है तकरीबन 2 करोड़ पाउंड और 2 करोड़ पाउंड क्लोज टू 1 करोड़ किलोज के तकरीबन होता है और हर रोज वो 12,000 आइसिकल्स जो नुकीला बर्फ होता है उसे आइसिकल्स कहते हैं, वो 12,000 हर रोज एक आइस कासिल में बनाया जाता है। अनय, ध्रुव और प्रफुल, उन्हें अपने स्लेड के साथ मस्ती करनी थी और अनय के नाना नानी और प्रियंका को ठंड लग रही थी तो उन्होंने सोचा चलो हाथ ही सेक लेते हैं। आपको मैंने पहले दिखाया ये अनोखा फाउंटेन जो दिन में दिखाया था, यहां आपको दिखेगा वो रात में उसके आजू बाजू में या उसके अंदर भी लाइट्स लगते हैं और वो कितना सुंदर लगता है। बहुत सुंदर है। ये लाइट्स कोऑर्डिनेट करना और उसे इस तरह प्रोजेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता होगा और जिसमें से हम चल रहे हैं वो एक भूल भुलैया है जो काफ़ी सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है और जैसे ही हम भूल भुलैया से बाहर आते हैं हमें दिखता है एक बेंच जहां लोग फोटो खींच रहे हैं। काफ़ी भीड़ थी यहाँ। अरे ये इतना सुंदर टनल है क्या? अरे बाप रे, यहां से तो लोग बाहर आए। ये है एक स्लाइड जो काफी सुंदर है जिसे प्रफुल्ल और अनय ने ट्राई किया और ये वीडियो उन्होंने ही निकाला था और मजेदार स्लाइड थी जहां अनय ने बहुत मजे किए। यहां अलग अलग तरह के टनल्स थे जहां अंदर से उन्होंने कुछ लाइट शो किया था, जैसे ही रात हो गई वो लाइट्स काफी उठकर दिख रहे थे और जब पूरी तरह हर जगह लाइट्स दिखना शुरू हो गए एक अनोखा एक्सपीरियंस था। और जैसे ही हम बाहर आते हैं हमें दिखता है एक एग्जिट पाथ जहां उन्होंने अलग अलग तरह के लाइट्स लगाए थे और वहाँ हमें दिखा एक आइस स्कल्पचर जो वो हाथ से बनाते हैं और वो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था।
और इस तरह हमारा ट्रिप टू द आइस कासल खत्म हुआ।